हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप आसानी से स्विच बोर्ड को जो है क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि दिवाली आने वाली है, तो सभी अपने घर की साफ़ सफाई स्टार्ट करेंगे। तो मैंने भी अब सोचा कि आज मैं अपने घर के स्विच बोर्ड को जो है क्लीन कर दूँ और साथ ही आपके साथ शेयर भी कर दूँ कि किस तरीके से मैं अपने स्विच बोर्ड को आसानी से क्लीन करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है अपने स्विच बोर्ड को क्लीन करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने एक चम्मच बेकिंग सोडा ले लिया है एक खाली बोल में, और इसमें जो है मैं आधा ढक्कन जो है विनेगर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। मैंने अच्छे से आप इसको मिला लिया है। मेरे पास एक पुराना ब्रश था, उसकी सहायता से जो है मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। चलिए देख लेते हैं फिर हम इसको अब कैसे यूज़ करना है। इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को टच करें तो आप जो है अपने पैरों में स्लीपर ज़रूर पहन लें, और कभी भी स्विच बोर्ड पे स्प्रे ना करें बल्कि ब्रश के मदद से इसको इसमें इस तरीके से रब कीजिए। पेस्ट को जो हमने बना लिया था विनेगर का और बेकिंग सोडा का, इसको हम इससे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। देखिए, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है ये क्लीन हो रहा है। ये देखिए ब्रश की सहायता से कितनी आसानी से लग पा रहा है। इसमें हम बार बार स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्विच के जो बटन्स हैं बाकी का जो है उसमें मैल जम जाती है। तो उसको जो है महीने में क्लीन करते रहना चाहिए। अब इस पेस्ट को ऐसे ही लगा के हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, सूखने के लिए छोड़ देंगे ऐसे। तो देखते हैं 10 से 15 मिनट के बाद क्या होता है। ये देखिए, देखिए दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, किसी एक सूखे कपड़े की मदद से इसको क्लीन कर लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, हमारा स्विच कितना क्लीन हो गया है। देखा आपने कितनी आसानी से हमने आराम से इसको स्विच को क्लीन कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स लिखिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।